22 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का लेट आई इक्वल टू दिया है, कितना इंटीग्रेशन sec स्क्वायर कितना है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, sec स्क्वायर x का आईसी जानते हैं ना, sec स्क्वायर x का आईसी होता है tan x, tan x मतलब 7 माइनस 4x, sec स्क्वायर x का आईसी हम मुड़िया का डीसी से डिवाइड 0 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस सी, दिस इज द माइनस 1 बाई 4 tan x, tan हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस सी इधर का हो गया आंसर, मेथड 2 हो गया, देखिए एग्जाम से मेथड 2 में हो गया आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है sec स्क्वायर कितना हो गया 7 माइनस 4x हो गया, ठीक है dx हो गया, अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे 0 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू डी टी अपॉन कितना हो गया dx, तो दे रिप्लाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन माइनस 4। अब सबका वैल्यू रखेंगे उसमें, रखिए तो रखेंगे तो i इक्वल टू हो गया आपका sec स्क्वायर, इसको t माने हैं तो लिख दो t, इसका मान है dx का मान dt अपॉन कितना है, dx का मान है dt अपॉन माइनस 4, ये 1 माइनस 1 बाई 4 बाहर निकल गया, sec स्क्वायर t dt, इसका ऐसे आप लोग जानते हैं माइनस 1 बाई 4 sec स्क्वायर t के tan t, tan t हो जाएगा और t का dc t के रिस्पेक्ट में प्लस c, t के dc t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 और tan, और t के मान रखिए कितना है 4, 7 माइनस 4x, 7 माइनस कितना है 4x प्लस c, इधर हो जाएगा आंसर। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन बोलिए, i इक्वल टू हो गया 23 नंबर क्वेश्चन हो गया बटा में रूट i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाय √√1 माइनस x स्क्वायर, आपको यह देखना है, यह देखिए इसको लिख देते हैं sin इनवर्स x इंटू में लिख देता है 1 बाय √√1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस कितना x स्क्वायर dx, इसका डीसी सेट है, इसका डीसी का है सेट है, तो आपको बना बताया था इंटीग्रेशन f ऑफ x के पावर n, इसके होल पावर 1 है कुछ नहीं है, तो f ऑफ x के पावर n है जरिए इंटू में डीसी सेट है f ऑफ x, तो f ऑफ x dx हो गया, तो इसका आईसी होता है पावर बढ़ा के f ऑफ x के पावर n प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c, तो ये पावर बढ़ा के पावर से भाग कर देंगे तो पावर बढ़ाई हुई है साइन इनवर्स x के पावर कितना हो जाएगा 2 बाई 2 अब प्लस सी, इधर का हो गया आंसर 2 बाई 2 प्लस सी, इधर हो जाएगा आंसर, ठीक है साइन इनवर्स x के पावर बढ़ा के होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। देखिए मेथड 2 बनाएंगे तो मेथड 2 में हो जाएगा आपका आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन हो गया √√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा डी एक्स, यहाँ पर लेट के का डीसी सेट है, एक का डीसी हाई आएगा कि एक का डीसी हाई आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डीसी नीचे वाला आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स पे इक्वल टू कितना मानेंगे टी मानेंगे, अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sin इनवर्स x के dc 1 / √√1 माइनस x स्क्वायर और x के dc 1 इक्वल टू t के dc dt अपॉन कितना हो जाएगा dx, देयर इंप्लाई dx इक्वल टू चल यहां चल यहां, यानी dx इक्वल टू हो जाएगा √√1 माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा dt, सबका वैल्यू रखिए i इक्वल टू देखिए sin इनवर्स x को t माने हैं रूट में इधर रख दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर और फिर गुणा में इसको लिखिए dx के मान कितना है √√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा टी और डी टी, टी कैसी पावर बढ़ा के पावर से बाहर 2 बाई 2 प्लस सी, टी के मान रख दीजिए, टी के मान रखिए कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर अब बाई 2 अब प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 सब बात रहता है लेट आई इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो गया 2 cos x
माइनस थ्री साइन एक्स, नीचे में हो गया छ कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। यहां से इसको देखिए, सोच रहे हैं कि नीचे में टू कॉमन है, पहले नीचे टू कॉमन लेंगे, पहले ऊपर वाला छाप लेंगे, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री कॉस एक्स अब प्लस टू साइन एक्स। अब यहाँ पर देखना है इसका डीसी करके देखिए कितना आ रहा है, थ्री इंटू माइनस साइन एक्स अब प्लस टू कॉस एक्स आ रहा है क्या ऊपर वाला, ये ना आ रहा है माइनस में है, तो डीसी सेट हो जाएगा ना, तो वन बाई टू बाहर निकल दीजिए, हरी वाला वन बाई टू का कर दीजिए बाहर निकल दीजिए, एक बाद में लिख दीजिए टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, साइन एक्स हो गया। और नीचे में है थ्री कॉस एक्स अब प्लस कितना हो गया टू साइन एक्स डी एक्स, नीचे का डीसी का सेट, इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हैं इंटीग्रेशन, ऊपर में जब डीसी सेट रहता है पूरा नीचे वाला के तो लॉग मोड होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, ये हो जाता है लॉग मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसी तरह वन बाई टू हो गया, लॉग मोड ले लो नीचे वाला, लॉग मोड नीचे वाला थ्री कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस सी हो गया आंसर। अब इसका डीसी सेट है तो इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो लेट कीजिए मेथड टू में, मेथड टू में जब आएंगे आई इक्वल टू देख लीजिए आप लोग, पहले दो कॉमन लिए नीचे में, दो कॉमन लेने के बाद इसका डीसी किया तो इतना आ जा रहा है, डीसी सेट हो जा रहा है, डीसी का हो जा रहा है सेट है, ऊपर में आ गया, आई वाला उधर लिखा आई वाला इधर लिखा, तो डीसी सेट हो गया। तो भाई साहब टू को बाहर निकाल लेते हैं, अब डीसी सेट है, डीसी सेट है रहता है ऊपर पूरा नीचे का डीसी सेट रहता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड नीचे वाला, तो लॉग मोड नीचे वाला फॉर्मूला हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद मेथड टू बनाते हैं, मेथड टू में टू तो कॉमन ले लिए हैं, ऊपर में क्या बचा है टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, अब बटा में जब नीचे टू कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा टू साइन एक्स डी एक्स। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे हो जाएगा तो इसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, लेट इसका डीसी सेट है तो इसको टी मानेंगे, कितना हो जाएगा थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स बराबर टी, मान लिए बराबर का मान लिए, टी मानने के बाद में अब इसका क्या करेंगे, डीसी करेंगे एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर थ्री और कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स, एक्स के हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स के कॉस एक्स, एक्स के हो जाएगा वन इक्वल टू टी के डी टी अपॉन हो जाएगा आपका क्या डी एक्स। ध्यान दीजिए डी एक्स इक्वल टू निकालना है तो डी टी अपॉन लिख दीजिए, पूरा चल जाएगा सिस्टम नीचे में, पहले लिखिए टू कॉस एक्स और माइनस हो जाएगा थ्री साइन एक्स। चलिए सब इसमें रखिए किसको टी माने किसको का किया है, वन बाई टू पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिखिए ऊपर वाला छापिए टू कॉस एक्स माइनस थ्री कितना हो गया साइन एक्स बाई नीचे को टी मान लिया है। ठीक है, गुणा में डी टी डी एस का मान रखिए, डी एस का मान आया डी टी अपॉन टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स कट गया। अब इससे ये वाला क्या हो गया पूरा कट गया क्या बचा वन बाई टू इंटीग्रेशन टी डी टी। ठीक है, वन बाई टी हो जाएगा, सॉरी वन बाई का होगा टी, तो वन बाई टू हो गया, वन बाई टी कैसे होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। अब देखिए वन बाई टू हो गया लॉग मॉड टी का मान देखिए कौन है थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स अब प्लस सी बता हो जाएगा आंसर। चले इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन है देखिए आगे, वन बाई कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर डी एक्स। अब सोचिए क्या करेंगे, पहले सोचिए कि इसका डीसी क्या होगा, इसका ही डीसी क्यों सोच लिए, क्यों सोचते हैं कि इसका डीसी जीरो हो जाएगा माइनस टेन एक्स के डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर कितना एक्स, और ऊपर कॉस स्क्वायर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक, अब इस तरह का डीसी क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो वह काम करिए
अब देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्वल टू ई कॉस जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा में कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, बचेगा वन माइनस टेन एक्स, टेन एक्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना बचेगा होल स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और डीसी का है सेट, डीसी का है सेट, डीसी सेट, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एवरेज ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के पावर है, पावर है तो पावर रोल लगाएंगे, भाई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे पावर रोल, नीचे वाला पावर होता है वही चीज वाला, खाली पावर होता है डी एक्स, तो पावर रहेगा तो इसका होता है माइनस वन बाई एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स के पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस ये होता है इसका, ठीक है, तो ये लगा रहा है फॉर्मूला, देखिए आप लोग तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए माइनस वन बाई, माइनस वन बाई एन का मान कितना है, एन का मान टू है तो कितना हो जाएगा टू माइनस वन, अब वन माइनस टेन एक्स के पावर टू माइनस वन प्लस कितना सी, ये हो गया माइनस वन बाई वन माइनस टेन एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा सी, टू में से बन जाएगा वन, वन से गुणा होता है इतना ही, पावर वन रहेगा तो इतना ही, लिखो चाहे मत लिखो वन पावर कोई दिक्कत नहीं है, इसी तक आ गया आंसर। मेथड टू, मेथड टू में देखिए आपको आई इक्वल टू है कितना वन बाई, इसको कॉस वाक ऊपर लिख देता है, ये चाहे लिख सकते हो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना आई इंटू वन माइनस टेन एक्स के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, टेन एक्स के होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर इसका ऐसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर एक्स दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा हमेशा, वन माइनस टेन एक्स के क्या हो गया होल स्क्वायर, अब सोचिए किसका डीसी सेट है, टेन एक्स का डीसी होता है sec स्क्वायर एक्स, इसका भी होता है, तो बोले हैं कि बड़े वो का टी मानेंगे, किसको मानेंगे टी, बड़े वो का मानते हैं टी मानते हैं, तो बड़े वो कौन है वन माइनस टेन टी, टेन टी बराबर कितना है टेन एक्स बराबर कितना मान लेंगे वन माइनस टेन एक्स बराबर टी माना, ठीक है, अब इसको डीसी कीजिए एक्स के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को लिखेंगे यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने को, अब देखिए इसका हो जाएगा जीरो माइनस टेन एक्स का डीसी sec स्क्वायर एक्स आई एक्स का डीसी वन इक्वल टू टी का डीसी हो जाएगा डी टी अपन कितना डी एक्स, ध्यान दीजिएगा डी एक्स के मान निकल लीजिए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपन माइनस हो जाएगा कितना sec स्क्वायर एक्स, अब इस सबका वैल्यू क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो चलिए आगे चल के पुट करते हैं उसमें आई में पुट करते हैं, छोड़ दो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसका हो गया किसको टी माना, तो पहले sec स्क्वायर एक्स लिख लो और बटा में वन माइनस टेन एक्स था तो टेन एक्स का टी माना था ना, तो इसको लिख दो टी स्क्वायर, कितना लिख देगा टी स्क्वायर, और गुणा में डी एस के माना आया था डी टी बटा में माइनस sec स्क्वायर कितना एक्स हो गया, ठीक है, आगे देखिए sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस बाहर निकल गया आई कितना हो गया वन बाई टी स्क्वायर डी टी हो गया, ठीक है, कितना हो गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर था नीचे में तो होल स्क्वायर था ना, हाँ तो इसका आईसी कीजिए, आईसी हो गया माइनस, देखिए वन बाई एस के पावर एन के आईसी होता है माइनस वन बटा में एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस का हो जाएगा वन प्लस, तो यही ऐसे क्या करते हैं लगाते हैं, तो माइनस वन बटा में एन के मान टू है टू माइनस वन टी के पावर हो जाएगा टू माइनस वन प्लस सी, अब देखिए वन बटा में हो जाएगा तो टी अब प्लस सी टी के मान पुट कर दो वन बटा में टी किसको माना थे वन माइनस टेन एक्स को वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, देखा हो गया आंसर में तो फिर है, आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 26, क्वेश्चन नंबर आएगा 26 है ना, चलिए आगे देखिए लेट आई इक्वल टू हो गया कितना है कॉस रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट एक्स डी एक्स,
देखिए यहाँ मेथड वन से बनाना है, समझिए तो बढ़िया से इसको मेथड फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे बराबर लिखेंगे, यहाँ देखिए कॉस रूट एक्स, कॉस कितना रूट एक्स, यहाँ पर लिख दिए कॉस रूट एक्स। ध्यान से देखिए, पहले इसको हम आईसी सिखा रहे हैं, समझिए एक बात और समझिए बढ़िया से। देखिए इधर यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दिए कॉस रूट एक्स, कॉस कितना वन बाई रूट एक्स लिखते हैं ना इसको, डीएक्स कोई दिक्कत नहीं है। सोच रहे हैं इसका डीसी या सेट कर दें, मुड़िया के मुड़िया का डीसी कितना आएगा, वन बाई टू रूट एक्स, कितना आएगा टू रूट एक्स, खाली टू घट रहा है, खाली क्या घट रहा है टू, टू घट रहा है यानी वन बाई टू रूट एक्स आता है डीसी, टू घट रहा है नीचे में, घट रहा है कहाँ घट रहा है नीचे में, तो नीचे में टू लगाते हैं। देखिए इधर इधर करते हैं बराबर कॉस रूट एक्स इन टू वन बाई टू रूट एक्स, यहाँ पे टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा ये डिवाइड्स में टू लगा है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, यही मेन है, इसको बहुत अच्छा से ध्यान देना है, ठीक है। यस, अब देखिए इसका यह क्या हो गया डी एक्स, अब मुड़िया का डी सी सेट हो गया, मुड़िया का डी सी का सेट है, मुड़िया का डी सी का सेट है, और जब डी सी सेट रहता है तब सीधे इसका दहिया का आईसी कर देते हैं, मतलब आर्गुमेंट का डीसी सेट है तो रेशियो का आईसी कर देते हैं, यानी ट्रियो का आईसी कर देते हैं, तो कॉस का आईसी कितना हो जाएगा साइन रूट एक्स प्लस सी, इधर आंसर होगा सी। जब मुड़िया का डीसी सेट रहेगा तो इसका आईसी हो जाता है, जैसे कॉस एक्स है आई एक्स का डीसी सेट है डी एक्स, ध्यान से देखिए फॉर्मूला में कॉस एक्स है आई एक्स का डीसी जरिए मुड़िया का सेट है तो इसका डायरेक्ट आईसी हो जाता है कितना साइन एक्स प्लस सी, उसी तरह मुड़िया का डीसी सेट है तो डायरेक्ट आईसी हो जाएगा कॉस मुड़िया के साइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, मैं तो टू से टी यू मान के बना सकता है, आप देखिए रहे हैं आई इक्वल टू लिखा है कॉस रूट एक्स, अब बाई करता है रूट एक्स, समझिए आप यहाँ पर ही समझना है कि किसको टी माने, बोले थे मुड़िया में रहेगा उसको टी मानना है, मुड़िया में रहेगा उसको टी मानना है। अब सोचिए फिर ये भी बोले थे कि रूट के भीतर रहेगा तब ना को टी मानना है, तो रूट के भीतर एक्स है टी मानने पर इसका डीसी सेट हो जाएगा ये, लेकिन रूट एक्स आएगा तो उसका डीसी आई का हो जाएगा सेट हो जाएगा, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे लेट, लेट मतलब माना रूट एक्स इक्वल टू कितना टी, एस के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, एस के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा तो अवकलन करेंगे तो रूट एक्स के डीसी कितना हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, एस के डीसी वन इक्वल टू टी के डीसी डी टी अपॉन डी एक्स, देयर इंप्लाइड डी एस के मान निकाल दो डी एक्स इक्वल टू आई चल जाइए कितना टू रूट एक्स और डी टी, राइट। अब सबका मान रखिए आई में, ध्यान दीजिएगा ये कॉस हो गया, इसको टी माने टी लिख दो, अब बाटा में कहेगा कि रूट एक्स को टी माने तो टी लिखेंगे, लिख दो ऐसा क्या हो गया टू, अब रूट एक्स है तो टी लिख दो, नहीं तो रूट एक्स लिख के बाद में टी लिख देगा, चाहे करेगा टी छोड़ के रूट एक्स से छोड़ देगा और डी टी, ठीक है। जोन करना होगा कर सकता है, यहाँ टी टी भी लिख सकता है और रूट एक्स भी कर सकता है और टी टी भी लिख करके कर सकता है, कोई दिक्कत का है नहीं, आपका जो सुविधा हो जाएगा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया टू बाहर निकल गया, ये कितना हो गया कॉस टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आईसी करना है, कीजिए कॉस टी का आईसी जानवे करते हैं आप कितना होता है साइन टी प्लस सी, तो टू हो गया साइन और टी के मान जान ही रहे हैं टी के मान दिया हुआ रूट एक्स प्लस सी, इधर का हो गया आंसर 27। 27 में लेट आई इक्वल टू लिखा ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू दिया रूट में साइन टू एक्स, टू एक्स इन टू कॉस कितना टू एक्स डी एक्स, ध्यान देना थोड़ा सा पूछिए कि टीम अगर मानना होगा बाई दवे तो किसको टी मानेंगे, रूट के भीतर आओ साइन टू एक्स को, कहा है कि साइनों का डीसी सेट है
कॉसो का डीसी सेट है लेकिन रूट में है, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी आ गया कि रूटो है एक और डीसीओ का है सेट, तो उसको मानेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन एक और टी मान देंगे, इसका डीसी सेट है लेकिन रूट नहीं आ सकता है, रूट आएगा नहीं आएगा, लेकिन रूट के भीतर वाला को मानेंगे तो भाई साफ फका हो जाएगा, आ जाएगा दो स्टेप पर। तो अभी टी नहीं मान रहे हैं, अभी हम डीसी सेट को बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको लिख दिए साइन टू एक्स, साइन टू एक्स के पावर वन बाई टू, आई हो गया कॉस टू एक्स। एक और डीसी कितना आएगा सोचिए, साइन टू एक्स का डीसी कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स, और टू एक्स का डीसी टू, टू घटाता है वो तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, डीसी इज द सेट, डीसी का हो गया सेट, और डीसी सेट हो गया तो कौन फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, एफ ऑफ एक्स के पावर एम, हाँ पावर बढ़ा के पावर से भाग, एफ ऑफ एक्स के पावर एम है, जरिए इनटू में डीसी इसका का सेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स के पावर एन प्लस वन बार क्या था एन प्लस वन प्लस, लगाइए वही फॉर्मूला डीसी सेट है वन बाई टू लिख लीजिए, देख रहे ना एक और पावर एक और बढ़ाएंगे साइन टू एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन। अभी मत कहिएगा कि इसके डीसी से डिवाइड करेंगे, डीसी सेट करने के बाद डिवाइड क्या होता है, नहीं होता है, डीसी सेट करने के बाद डिवाइड डायरेक्ट आईसी होता है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन डीसी सेट करने के बाद डिवाइड नहीं करेंगे, प्लस का हो गया सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वन बाई टू हो गया साइन टू एस के पावर कितना हो गया थ्री बाई टू, अब बाई कितना हो गया थ्री बाई टू, तो टू से टू का हो जाएगा क्या सी प्लस सी, अब जानिए रहे इसका आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे कितना वन बाई थ्री, वन बाई कितना हो जाएगा थ्री, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, देखिए वन बाई थ्री हो गया, कितना हो गया वन बाई थ्री, और साइन टू एस के पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका बनाना है अब मेथड टू, मेथड का टू आगे चलते हैं, 27 का मेथड टू बनाना है। लेट आई इक्वल टू दिया है रूट में कितना साइन टू एक्स, यहाँ पे है कॉस टू एक्स डी एक्स, देख लीजिए रूट के भीतर वाला का डीसी का स्टेट है तो इसको टी मानेंगे, लेट साइन टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, एस के सापेक्ष अवकलन करने को, एस के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने, अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करिए, तो चलिए कीजिए साइन टू एक्स का डीसी कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स और टू एक्स का डीसी टू इंटू वन इक्वल टू टी का डीसी डी टी बाई डी एक्स, देर इंप्लाई डी एस के मान निकल लीजिए, ये चल जाएगा यहाँ दोनों आ जाएगा यहाँ, यानी डी टी बाई हो जाएगा आपका टू कॉस टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका मान सेट कीजिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में कितना है टी, रूट में कितना है टी, आई हो गया कॉस टू एक्स, आई इंटू डी एक्स के मान रख दो डी टी बाई कितना हो जाएगा टू कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स। अब यहाँ पे देखना है टू कॉस टू एक्स और टू कॉस टू एक्स का हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा इंटीग्रेशन टी के पावर वन बाई टू रूट हटा के, और डी टी बचा है और वन बाई टू को बाहर निकल दिए, वन बाई टू को क्या निकल दिए बाहर। अब देखिए इसका आईसी होता है वन बाई टू पावर बढ़ा के पावर में से भाग प्लस सी, अब देखिए वन बाई टू हो गया आई हो गया टी के पावर थ्री बाई कितना टू बाई जी कितना हो गया थ्री बाई टू, टू से टू का हो गया कैंसिल प्लस सी। अब आपको देखना है यही पे बना देते हैं देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या का बचा वन बाई थ्री बचा टी के मान रखिए टी के मान कितना है साइन टू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो गया आंसर। इसके बाद में आता है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट आई इक्वल टू कॉस एक्स बटा में है रूट अंडर वन माइनस कितना साइन एक्स,
dx। आप सोचिए किसको, देखिए ध्यान से, रूट के भीतर है 1 प्लस साइन एक्स, कितना है तो 1 का डीसी 0 और साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स। आप ऊपर डीसी इसका भीतर के पूरा का डीसी ऊपर का है सेट है, और जब डीसी सेट रहेगा भीतर के, जब डीसी ऊपर में का है सेट है, भीतर के डीसी ऊपर में का है सेट है, तो इसका फॉर्मूला बना है आप लोग को रूट में f ऑफ x, अभी तरह का डीसी का है सेट है, तो एक आईसी होता था 2 रूट f ऑफ x। डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट लिख दो एकदम 2 रूट में f ऑफ x मतलब कितना ना 1 प्लस साइन x प्लस c, इधर का हो गया आंसर। जब रूट के भीतर का डीसी का रहेगा सेट रहेगा तो, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और पावर वन हटा के 1 प्लस, अभी ऐसे भी आंसर देता है साइन एस के पावर 1 बाई 2 प्लस का सी, ये तो आप लोग जानते करते हैं। और देखिए मेथड 2 में, मेथड 2 में सोचिए आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस एक्स बाई कितना दिया है रूट अंदर 1 प्लस कितना हो गया साइन एक्स डी एक्स। आप सोचिए इसका जब डी सी सेट है सपा सपा तो इसको क्या मानेंगे टी लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या कहेंगे टी एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एस के सापेक्ष क्या कहेंगे अवकलन करने, आइए अवकलन करते हैं तो 1 का डीसी 0 और साइन एस के डीसी क्या हो गया कॉस एक्स, एस के डीसी 1 इक्वल टू टी का डीसी डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स, एक साथ में डीसी कीजिए डी एस का मान निकल गया डी टी बटा कितना हो जाएगा ये चला गया है चल गया कॉस, ठीक है सबका मान रखिए जिसको जिसको मान है, कॉस एक्स को कुछ नहीं किए छोड़ दीजिए, रूट में इसको टी मान है रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, डी एस का मान रखिए, डी एस का मान दिया है कितना डी टी अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल 1 बाई कितना है रूट टी, ध्यान दीजिएगा डी टी एक और डीसी सेट है, इसे सोचो भीतर का डीसी का है टी के डीसी टी के रिस्पेक्ट में डीसी का है सेट है डायरेक्ट एकदम 2 रूट टी प्लस सी और 2 और टी के मान लो कितना टी के मान रख दो कितना है टी के मान 1 प्लस साइन एक्स प्लस, ये भी आंसर हो सकता है चाहे ऐसे भी लिख सकता है 2 और 1 प्लस साइन एस के पावर 1 बाई कितना 2 प्लस सी है, जाने दो मेथड लग जाएगा। देखिए एक वो और है नोट में, देखिए आपको इतना का आईसी करना है 1 बाई रूट टी के, मान लो डीसी सेट वाला फॉर्मूला नहीं याद है तब क्या करेंगे इसको पहले नंबर 1 बटा में टी के पावर का लिखेंगे 1 बाई 2 डी टी, ठीक है अभी फॉर्मूला लगेगा जानते हैं फॉर्मूला लगता है इसमें बराबर माइनस 1 बाई कितना लग गया माइनस 1 बाई एन माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 1 और टी के पावर 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस कितना सी कितना लग गया सी, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये फॉर्मूला से क्या होगा बनेगा प्लस सी, ठीक है तो आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो फिर उतना ही आएगा कितना आएगा यहाँ देखिए आपका आएगा 2 ये चलेगा ऊपर में 2 इन टू है जब माइनस 1 बाई 2 बचेगा ना तो टी के पार कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और प्लस सी, अब यहाँ पर रख दीजिए 2 और टी के मान रखिए टी के मान कितना है 1 प्लस साइन एस, साइन एस के पावर 1 बाई 2 क्या किए हैं कि इसको कर दिए हैं 1 बाई 2 अगर माइनस बचेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 ऊपर चल गया यहाँ माइनस 1 बाई 2 बचेगा तो यहाँ टी के पावर 1 बाई 2 हो जाएगा और टी के मान रख देंगे 1 प्लस साइन एस के पावर कितना 1 बाई 2, ठीक है इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। लेट आई इक्वल टू कितना दिया है आप लोग देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है कितना कॉट एक्स, ध्यान दीजिएगा कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स dx, ध्यान दीजिए कॉटेक्स के डीसी में तो लॉग आया था नहीं है, कॉटेक्स के डीसी होता भी है लॉग मोड साइन एक्स, लिखवाए कॉटेक्स के डीसी डायरेक्ट होता है क्या लॉग मोड साइन एक्स डीसी सेट है
Yes. विश्वास नहीं है कहा विश्वास नहीं है तो डिसी सेट है कोटेस के होता है तो यहाँ ऐसे हो जाएगा चाहे वैसे छोड़िए ना लॉग मंडे ऊपर डीसी छोड़िए यहाँ से देखिए इसका डीसी कीजिए पहले एक बार लिख लेंगे कॉर्टेक्स के पावर उस तरफ भी हो जाएगा यहाँ देखिए कॉर्टेक्स के पावर लिख दिया आप लोग को वन कुछ नहीं तो कहा है वन है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं लॉग साइन एक्स देखिए ध्यान से लॉग साइन एक्स लिख दिए इसका होल पावर कितना वन चला दिए अब फिर लिख दिया कॉर्टेक्स क्या लिख दिए कॉर्टेक्स लिख सकते ना इतना क्यों लिख दिया क्योंकि इसका डीसी सेट है लॉग मूडी के लॉग आर्गुमेंट को होता है वन बाई आर्गुमेंट लॉग लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स एक्स मतलब साइन थीटा साइन एक्स अपन साइन एक्स का डीसी कितना हो जाएगा कॉस एक्स एक्स का डीसी वन और कॉस एक्स बटा साइन एक्स कितना हो जाएगा डीसी का है सेट है डीसी का है सेट है और जब डीसी सेट रहता है लॉग के डीसी कितना आया था वन बाई साइन एक्स कितना आया था साइन एक्स लॉग मुड़ी के वन बाई मुड़ी हो गया अब फिर साइन मुड़ी के कॉस मुड़ी एक्स का डीसी कितना हो जाएगा वन तो आपका जो है पूरा भीतर का डीसी का है सेट है डीसी सेट डी एक्स डीसी सेट है तो इसका फॉर्मूला आप लोग को जानते हैं ना एफ ऑफ एक्स के पावर कितना हो जाएगा एन आई इंटू एफ डैस ऑफ एक्स क्या हो गया डी एक्स इसका फॉर्मूला होता है पावर बढ़ा के एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अब बाई कितना हो जाएगा एन प्लस वन प्लस तो पढ़ा बढ़ा के भाग दीजिए लॉग कितना हो जाएगा लॉग ध्यान से देखिए साइन एक्स के होल पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा टू प्लस सी इधर का हो गया आंसर मेथड टू ध्यान दीजिए आई इक्वल टू लिखा है कितना है कॉटेक्स इन टू लॉग इसको आगे लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स इन टू का हो जाएगा कॉटेक्स डी एक्स देख रहे थे ना इसका डीसी करने पे इतना रहा है ना इसीलिए इसको क्या मानेंगे टी मानेंगे इसका डीसी करने पे इतना रहा है ना तो इसलिए इसको क्या मानेंगे टी मानेंगे लेट लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं तो लॉग लॉग हाई आर्गुमेंट है लॉग आर्गुमेंट के वन बाई आर्गुमेंट अब फिर आर्गुमेंट में है साइन एक्स तो साइन एक्स का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स अब फिर एक्स का डीसी हो जाएगा कितना वन इक्वल टू टी के डीसी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स अब देखिए तो ये हो गया कॉटेक्स कितना हो गया कॉटेक्स बराबर डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स देयर रिप्लाई निकाल लीजिए डी एक्स के मान देयर रिप्लाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना आगे चल जाएगा यहाँ ही चला गया डी टी बाई कितना हो जाएगा कॉटेक्स कितना हो जाएगा कॉटेक्स सबका मान पुट कीजिए इसके जगह पर टी लिखेंगे कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स छोड़ दीजिए कॉर्टेक्स और डीएस का मान आया है डी टी बाई कितना कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से कॉर्टेक्स का हो गया कैंसिल टी डी टी टी के पावर कितना है वन है पावर बढ़ा के टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी अब देखिए वन बाई टू हो गया टी के मान रखिए टी के मान कितना है लॉग साइन एक्स log sin x के पावर 2 प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर दिस इज दिस 1 बाई 2 आगे लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके बाद हो गया 30 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है सबसे आसान है LET let I equal to sin x है अब I कितना है देखिए 1 प्लस cos x DC सेट है तंका का फर्क है माइनस चाहिए इसको इसका हो जाएगा 0 इसका हो जाएगा माइनस sin x माइनस साइन एक्स आ रहा है माइनस है का ऊपर में नहीं है माइनस बनाते हैं देखिए कैसे पहले लिख दिया माइनस साइन एक्स अब बटा में क्या लिख दिया वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस क्या लिख दिया कॉस एक्स तो वन प्लस कॉस एक्स लिख दिया नीचे में
वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसका लगाएंगे। अब देखिए डीसी सेट हो गया, डीसी का हो गया वन प्लस कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, डीसी का हो गया सेट। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान भी करते हैं क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डीसी सेट है पूरा नीचवा वाला के बिना पावर के, पूरा नीचवा वाला का डीसी सेट है तो लॉग मोड होता है, लॉग मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आप लिखिए माइनस छापिए लॉग मोड वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर दे देगा। इतना आंसर नहीं आया होगा तो कितना आया होगा देखिए, या माइनस वन को माइनस को माइनस वन लिख सकते हैं क्या, माइनस लिखो चाहे माइनस वन लिखो कोई फर्क है। ये आप जानते हैं कि ये जो होता है पावर चढ़ जाता है वन प्लस कॉस एक्स के पावर में हो जाएगा कितना माइनस वन प्लस सी, कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स के होल पावर जैसे पावर में है तो आर्गुमेंट के जब पावर है तो ये पावर कूद जाता है तो इतना हो जाएगा ना। अब पावर कूदल है तो पावर का क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तरह कहा जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है तो हम पावर में भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना हो जाएगा लॉग मोड, ऐसे कीजिए पावर मोड के बाहर लिखो और चाहे अंदर लिखो, बात क्या है एक है कॉसेस के पावर माइनस वन मोड प्लस। अब देखिए यह हो जाएगा लॉग मोड में वन बटा में ध्यान दीजिएगा वन प्लस कॉसेस के पावर, ये पावर वन था माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में प्लस, भाई लिखो चाहे मत लिखो बात क्या है सेम, बात क्या है वन पावर लिखना जरूरी है क्या, नहीं आंसर होगा ठीक है। अब इसके बाद मेथड टू बनाना होगा, मेथड टू बनाना होगा तो आई इक्वल टू लिख लीजिए कितना हो गया साइन एक्स, अब बटा में कितना हो गया वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, लेट करेंगे वन प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो गया टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करने पर ठीक है। तो आगे चलते हैं तो डीसी कीजिए, वन का डीसी हो जाएगा जीरो और प्लस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स और टी का डीसी डी टी वाई कितना हो गया डी एक्स। और देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का डीसी करना है माइनस साइन एक्स होगा कितना होगा माइनस साइन एक्स एक्स के मान, अब डी एक्स के मान निकाल दीजिए डी एक्स के कर, ध्यान दीजिए यह चला गया यहाँ या चला गया यहाँ, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। सबका पुट कीजिए आई इक्वल टू, आई इक्वल टू आपका दिया गया था कितना दिया गया था साइन एक्स ऊपर में था, साइन एक्स का था ऊपर में, नीचे में टी माने थे, इसके बाद में डी एस के माना गया डी टी अपॉन कितना है माइनस साइन एक्स, कितना है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स का हो गया कैंसिल माइनस वन बाई का हो गया टी डी टी ठीक है। ये हो गया माइनस लॉग मोड टी, लॉग मोड कितना हो जाएगा टी प्लस सी। अब देखिए माइनस ऊपर चढ़ाओ ये हो जाएगा लॉग, इतना आंसर हो सकता था टी के माना के माइनस ऊपर चढ़ा गया तो मोड में टी ये माइनस वन है कुछ नहीं तो माइनस वन लिख सकता है, माइनस वन चढ़ गया प्लस कितना सी, ये बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग हो गया मोड में वन बाई कितना टी, वन बाई कितना हो गया टी प्लस सी, अब टी के मान रख दो लॉग हो गया कितना वन बाई टी के मान कितना है वन प्लस किसको माने थे कॉस एक्स, वन प्लस कितना था कॉस एक्स था ना, अब प्लस सी दका हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद में आता है 31 नंबर, मेथड टू था कि वन था, टू था 31 नंबर। देखिए एक तो यही वही क्वेश्चन है हूबहू, इसमें दिक्कत नहीं, लेट आई पर ध्यान दीजिएगा साइन एक्स बाई यहाँ है वन प्लस कॉसेस के होल स्क्वायर रूट लॉग, कुछ नहीं इसका भी डीसी का है सेट है तनका सा दिक्कत है माइनस आएगा जीरो माइनस क्या आएगा साइन एक्स, ध्यान दीजिए एक्स का डीसी वन तो इसका माइनस माइनस से गुणा कर देंगे माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स बटा में वन प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स के क्या हो गया होल स्क्वायर डी एक्स, और इसका पूरे का डीसी ऊपर में क्या है सेट है। तो इसका फॉर्मूला होता है जानते हैं कौन, माइनस इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन
एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के पावर माइनस वाला होता है एन डी एच, इसका फॉर्मूला होता है माइनस वन बटा में एन माइनस वन एफ ऑफ एस के पावर एन माइनस वन। एफ ऑफ एस के पावर कितना होता है एन माइनस वन, अब प्लस का होता है सी। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इसी पर बनाते हैं क्वेश्चन को माइनस, ये तो माइनस उसका है पहले से, ये माइनस वन बाई फॉर्मूला लगा रहे हैं। एन का मान कितना है दो, टू माइनस वन, एफ ऑफ एस के मान कितना है वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स के पावर कितना हो जाएगा टू माइनस वन और प्लस सी। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वन बाई कितना आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना सी, इधर का हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला देखिए मेथड टू ना, मेथड टू में देखिए I इक्वल टू दिया है आपका कितना है साइन एक्स अब बाई वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स के क्या है होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे जिसका डीसी सेट है, किसका डीसी सेट है तो वन प्लस कॉस एक्स का, वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू का मानेंगे टी एस के सापेक्ष अवकलन करने को, एस के सापेक्ष क्या करने को अवकलन अवकलन करने पर जीरो हो गया। माइनस कॉस एक्स के कितना हो जाएगा साइन एक्स, एक्स के मान इक्वल टू डी के डी टी कितना हो जाएगा डी एक्स, देयर इंप्लाइड डी एक्स के मान निकालो डी एक्स इक्वल टू यहाँ चल जाएगा यहाँ आ जाएगा डी टी बेटा कितना माइनस साइन एक्स। अब देखिए सबको सेट करो आई में, आई इक्वल टू यहाँ पर पुट करो ध्यान देना, आई इक्वल टू साइन एक्स ऊपर में है लिख दो साइन एक्स के कुछ नहीं, इसको टी माने हैं तो इसको क्या कर देंगे टी स्क्वायर गुणा में डी एक्स के मान लिख दीजिए डी टी बटा कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया कैंसिल बच गया माइनस माइनस बाहर निकल दिए वन बाई कितना टी स्क्वायर डी टी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस वन बटा में टू एन माइनस वन एक्स के पावर एक्स मतलब टी है टी के पावर एन माइनस वन प्लस सी टू माइनस वन, हाँ एन नहीं होता है जगह टू है टू माइनस वन तो ये हो जाएगा वन बटा में टी और प्लस सी, वन बटा में कितना हो जाएगा सी प्लस सी, वन बटा में टी का मान रखो यहाँ पे लिख दो आगे में वन बटा में टी का मान कितना था वन प्लस कॉस एक्स और प्लस सी क्या हो जाएगा चले ये होगा आपका। ठीक है तो इसके बाद आगे चलेगा।